क्लब और किसको का क्या हाल है बच्चा पांडे? गजेंद्र बाबू, अमीर लोगों के छोकरा छोकरी जी भर के अपने क्लब में नशा कर रहे हैं। ये हमारी कुर्सी उल्टी कैसे है? इसलिए कि तुम आदमी भी उल्टे हो। मुझे हर उल्टी चीज को सीधा करना आता है। इस तरह की हरकत करने का अंजाम जानते हो? हाँ जानता हूँ, बड़ा नाम सुना था आपका, इसीलिए आपके दर्शन करने आया हूँ। करोड़ों रुपए का विदेशी लेन देन। तुम हो कौन? हथकड़ी वाला बाबा। ये क्या है? ये मेरा स्टाइल है। मैं मुजरिम को कभी भी हथकड़ी पहनाता नहीं हूँ। मुजरिम खुद बहुत पहन लेता है, और जैसे अच्छे बच्चे खुद बहुत स्कूल का यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल की तरफ चल पड़ते हैं, तुम जैसा मुजरिम हथकड़ी पहनकर मेरे साथ पुलिस स्टेशन की तरफ चल पड़ता है। हाँ। तो रंगीन कपड़ों में एक खाकी कुत्ता मुझे भौंककर डराने चला आया है। एक मिनट। कानून का कुत्ता भौंकता नहीं, सिर्फ काटता है, और जब काटता है तो 14 तो क्या 28 इंजेक्शन भी काम नहीं आते। चलो बच्चे पहन लो इसे। जो बच्चा अपनी मर्जी से स्कूल नहीं जाता, बाप उसे मारते पीटते घसीटता हुआ स्कूल ले जाता है, और आज तेरा ये बाप तेरा भी यही हशर करेगा। अब जब तक तू
ये अपनी मर्जी से नहीं पहन लेगा, मैं तेरी पिटाई करूंगा। धोबी पछाड़ मारा है इंस्पेक्टर गुलाटी के सामने। अगर कोई आदमी गुलाटी मारता है तो ये गुलाटी को अच्छा लगता है। गुलाटी तेरी तो अबे जा अबे चमचे। ए ऑफिसर, ए बेरे ऑफिसर, मैं कोई नादान पंछी नहीं हूँ जो तेरे इस पिंजरे में फड़फड़ाता रहूंगा। फड़फड़ाना ही पड़ेगा क्योंकि ये डायरी जिसमें करोड़ों रुपए की लेन देन का हिसाब है तुम्हारी जमानत नहीं होने देगी। ये जमानत किस चिड़िया का नाम है बे? एक फोन कॉल से तो जेल के दरवाजे खुल जाते हैं, ये तो फिर भी लॉकअप है। चल खोल खोल। ले आ गया तेरे बाप का फोन। हेलो कौन? मैं समाज सेवक रामलाल बोल रहा हूँ, गजेंद्र को फौरन छोड़ दो। हमने आपको कभी गली गटर की सफाई करने से नहीं रोका समाज सेवक साहब, फिर आप किस हक से हमें समाज की गंदगी साफ करने से रोक रहे हैं? वो नहीं छूटेगा। ए अक्कड़ खान, मिर्ची गली में पैदा हुआ था क्या, इतना करता क्यों है? गजेंद्र को छोड़ दे वरना छाती गोलियों से छलनी कर देंगे। तुम चाहे मुझ पर गोलियां चला दो या मेरी लाश गिरा दो, गजेंद्र प्रताप नहीं छूटेगा यानी नहीं छूटेगा। जब तक तो ड्यूटी करता रहेगा फोन बजता रहेगा, और तुझे तंग आकर मुझे छोड़ना पड़ेगा। ये तो जमीन से इंसानों के फोन आ रहे हैं, अगर आसमान से भगवान का भी फोन आए तो भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने फोन क्यों नीचे रख दिया? तेरा छोड़ने का इरादा नहीं है क्या? अरे तू तो क्या, तेरे बाप को छोड़ना पड़ेगा। हर नया ऑफिसर नई नई जूती की तरह बहुत चू चू करता है, उसके बाद आकर हमारे जूतों में बैठ जाता है। तू भी एक ऐसी नई जूती है। अबे देख क्या रहा है बे हरामखोर, तुझे एक मोटी रकम चाहिए थी ना, इसीलिए ये ईमानदारी का ढोंग रचा रहा था हरामखोर साला। अभी तो सिर्फ दो बूंद खून निकला है, याद रखना अगर कानून को एक भी गाली दी तो शरीर का सारा खून निचोड़ दूंगा। मॉर्निंग सर। इट्स अ वेरी बैड मॉर्निंग इंस्पेक्टर। किसका क्लब सील कर दिया, किसे हवालात में बंद कर दिया तुमने? इस शहर का बदनाम जमाना गजेंद्र। तुम नहीं जानते कि ये विशंबर प्रताप का छोटा भाई है, मुझे मंत्रियों के फोन पर फोन आ रहा है। छोड़ दो इसे। सर मुझे इसके क्लब से ये डायरी मिली है जिसमें करोड़ों के लेन देन का हिसाब है, डॉलर्स में पाउंड्स में। ये हवाला केस है सर, ऐसे मुजरिम को मैं हरगिज नहीं छोड़ सकता। डायरी इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं अपने पास रखता हूँ। आई एम सॉरी सर, ये इनकम टैक्स का मामला है। मैंने एक इनकम टैक्स ऑफिसर को बुलाया है और उनकी मदद से मैं पूरा केस तैयार करूंगा प्रताप ब्रदर्स के खिलाफ। ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून डीसीपी विजय खन्ना। हेलो, ये
वो डायरी है जो मुझे ब्लू डायमंड क्लब में मिली है। इसमें करोड़ों रुपए का विदेशों से लेन देन का हिसाब लिखा हुआ है। मुझे शक है कि ये सारा रुपया हवाला के जरिए यहाँ से वहाँ हुआ है। हवाला? अरे कमाल हो गया, एक्शन लूंगा, 100% एक्शन लूंगा। थैंक यू वेरी मच। कमाल हो गया। मेरे को हाँ तुम भी तो ये डायरी आप मुझे नहीं देते तो थैंक यू। हाँ भैया हाँ, आई डोंट नो किन लफ्जों में मैं आपका शुक्रिया था। अगर आप इसको ले जाकर इसको स्टडी कर लें तो मेरा शुक्रिया अदा हो जाएगा। थैंक यू तुम भी ओके। इंटरेस्टिंग बच गया। सॉरी सर। हेलो जी जी जी, वो गलती हो गई, माफ कीजिएगा। जी हाँ जी, एक मिनट मैं लिख लेता हूँ। जी बोलिए। 2 किलो आलू, 3 किलो टमाटर, 1/2 किलो भिंडी, लिखा? जी लिख लिया। सुनिए, 2 किलो आलू, आलू 3 किलो टमाटर, 1/2 किलो भिंडी। ये क्या हरी मिर्च नहीं लेके आए? अरे हरी मिर्च की क्या जरूरत है, तुम हो ना घर में। क्या कहा? और शक्कर भी नहीं लाए? अरे जिसके पास शहद से भी ज्यादा मिठास हो उसे चाय में शक्कर मिलाने की क्या जरूरत है? क्या मतलब? तुम्हारे गाल गाजर का हलवा है और तुम्हारे होंठ गुलाब जामुन है। चख लूं जरा? हटो जी, मुन्नी आ जाएगी। अरे मुन्नी क्या, जरा नजदीक आओ, मुन्ना भी आ जाएगा। डैडी डैडी, ये शर्ट किसके लिए लाए? ये आपके चाचू के लिए। डैडी इसके बटन्स कितने खूबसूरत है ना, गोल्डन गोल्डन। लेकिन देवर जी के शर्ट में बटन होने का क्या फायदा, वो तो शर्ट के बटन खोल के ही घूमता है। सुन लो आजाद हिंद के वासियों, दूर कर दिया हमने पब्लिक का टेंशन, खोल दिया प्राइवेट पुलिस स्टेशन। सुनिए दोस्त और बात करिए किसी और से, मारा हुआ बटुआ वापस लाने का सिर्फ 50 रुपया। 50 रुपया लड़ाई झगड़ा खत्म करने का 100 रुपया। 100 रुपया yes। और सुंदर को टिकाने लगाने का 500 रुपया। 500 रुपया हाँ। क्या है ना भाइयों, ये आइटम थोड़ा महंगा पड़ता है, इसमें गुंडों से पंगा लेना पड़ता है, रिवॉल्वर की गोलियों से खेलना पड़ता है, जान का जोखिम झेलना पड़ता है। फिर भी हम गरीबों को इंसाफ दिलवाएंगे, मुजरिमों को शहर से भगाएंगे, ये हमारा जनता से वादा है। सरकारी पुलिस स्टेशन से बेटर काम करके दिखाएंगे। रिश्वत 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 बिल्कुल नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। जनता वहाँ से ठोकर खाएगी, हमारे पास आएगी। इस देश में प्राइवेट पुलिस स्टेशन चल सकता है क्या, जब प्राइवेट बस चल सकती है, प्राइवेट प्लेन चल सकता है, प्राइवेट टेलीफोन चल सकता है, तो प्राइवेट पुलिस स्टेशन क्यों नहीं चल सकता? हाँ क्या डर है तो सिर्फ एक बात का। किस बात का? साला अपना धंधा देखकर, अपनी दुकान देखकर कुछ जेलसी फील करके हमारी दुकान के सामने एक और प्राइवेट पुलिस स्टेशन खोल दे तो क्या होगा? साला यही है टेंशन। क्या हो रहा है ये? हाय भैया, हाय भैया। नया बिजनेस है भैया, नया कारोबार है। जो किस पुलिस नहीं सॉल्व कर सकेगी वो हम करेंगे भैया। अच्छा, काम भी होगा, नाम भी होगा और दाम भी मिलेगा भैया। वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू भैया। गुलाटी सर, कैसा लग रहा है ये नया पुलिस स्टेशन? सर इसे तो हमारा धंधा एकदम ठंडा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, और ऐसा होना नहीं चाहिए। नहीं सर। ऐसा करो तोड़ डालो इसे। अगर मेरी कुर्सी का हाथ लगा तो कंप्लेंट कर दूंगा। किससे कंप्लेंट करेगा तू? भाभी को। अच्छा चल अभी जल्दी कर ले, चल अंदर। दोबारा ऐसी हरकत करेगा मेरे नाम को मिट्टी में मिलाएगा। अरे क्यों मारे आप इसे? अरे मारने दो भाभी, मारने दो, प्रोफेशनल जेलसी है। प्रोफेशनल जेलसी? ये क्या होती है? जलन भाभी, जलन, धंधे की जलन। अब भाभी जलेबी वाले की दुकान के सामने कोई जलेबी की दुकान खोलेगा तो जलेबी वाला तो भड़केगा ही, वैसे ही जूते वाले की दुकान के सामने कोई जूते की दुकान खोलेगा तो जूते वाला तो भड़केगा ही,
वैसे ही मटके वाले की दुकान के सामने कोई मटके की दुकान खोलेगा तो मटके वाला तो बहुत भड़केगा ही ना भाभी। अरे जलेबी वाला, मटके वाला, जूते वाला, ये क्या बोल रहा है तू? आजकल इसका दिमाग कंप्यूटर जैसा चल रहा है, मैं बताता हूँ। अरे भाभी मेरा कान, कान क्यों पकड़ रहे हैं आप? अरे भाभी कान का ताल्लुक दुकान से और दुकान का ताल्लुक कान से, आजू बाजू कान, बीच में दुकान। बड़ा घुमा रहे हैं भाभी को। मैं बताता हूँ आपके इस लाडले देवर के कारनामे। हमारे पुलिस स्टेशन के सामने इन्होंने अपना एक पुलिस स्टेशन खोला हुआ था जो इंडिया में आज तक नहीं हुआ, वो इसने किया। अरे भैया आप ही ने तो कहा है ऐसा करके दिखाओ जो आज तक हुआ ही नहीं। तो कल पार्लियामेंट के सामने पार्लियामेंट खोल के पाओ तेरे बाप का राज। देखो भैया बाप का नाम बीच में मत लाना, कह देता हूँ। एक तो सुबह सुबह मेरी दुकान तोड़ दी और अब ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। करो करो, तुम भी इसकी तरफदारी करो, तुम्हारे इलाज ने बिगाड़ रखा है इसको। भगवान मेरी भाभी, मेरी जिंदगी, मेरी जान, मेरी भाभी। तू ही मेरी भाभी और तू ही मेरी माँ, मेरे लिए मेरा भगवान मेरा भैया। मेरी जान मेरा भैया, तेरे ही दम से है मेरी सारी दुनिया, तुझ में छुपे हैं मेरे दोनों जहां। तू ही मेरा भैया और तू ही मेरी जान, तेरे जैसा भाई कोई होगा कहां। भैया मिल जाए यहाँ जिसको, ओ तेरे जैसा भैया मिल जाए यहाँ जिसको, उसका तो जन्म सफल है। तू ही मेरा सपना है, तू ही मेरी दुनिया, ओ तू ही मेरा सपना है, तू ही मेरी दुनिया, तू ही मेरे कर्मों का फल है। हमको अलग कोई कर नहीं सकता, जिसम जुदा पर हम एक जा। तू ही मेरा भैया और तू ही मेरी जान, तेरे जैसा भाई कोई होगा कहाँ। भगवान मेरी भाभी, मेरी जिंदगी, मेरी जान, मेरी भाभी। तू ही मेरी भाभी और तू ही मेरी माँ, तू ही मेरा भैया और तू ही मेरी जान, तेरे जैसा भाई कोई होगा कहाँ। कौन है वो ऑफिसर?
कौन है जिसने मेरे भाई को अंदर बंद कर रखा है? मैं हूँ वो ऑफिसर। अगर तुम यहाँ क्यों चले आए? तुम्हारी गिरफ्तारी के लिए मेरे पास तो कोई सबूत है ना? मेरी गिरफ्तारी को छोड़, पहले हाथ का ताला खोल। तुम तो ऐसे हुक्म दे रहे हो जैसे कानून तुम्हारे बाप की जागीर है। इस शहर की हर गली में हमारी दहशत, हमारी वहशत का राज चलता है। यहाँ वर्दियाँ सरकार की घूमती है मगर हुक्म हमारा चलता है। कानून को हम तीन चने की तरह खरीद लेते हैं। यहाँ की चौकियों पर ऑफिसर ड्यूटी बाद में ज्वाइन करता है, पहले आकर हमें सलाम करता है। कानून हमारे हाथों में नाचने वाली कठपुतली है, हमें कानून का राज बदले। चल चल खोल दरवाजा खोल। ओह बहुत बोल गए, गला सूख गया लगता है। गुलाटी इनके लिए जरा पानी लेके। पानी पीने में यहाँ नहीं आया, अपने भाई को छुड़ाने आया हूँ। चल ताला खोल। वो गले में खराश आ रही है, पानी पी लो वरना हमेशा के लिए आवाज खराब हो जाएगी। जी जी ठीक है ठीक है, मेरे पानी पीते ही हवाला का ताला खुल जाना चाहिए। मुझे थप्पड़ मारा, ये मेरा स्टाइल है, मैं पानी पिला पिला के मारता हूँ। नाउ गेट आउट। ऑफिसर ये थप्पड़ तूने मुझे गाल पर मारा है मगर मेरे दिल पर छप गया है। ये जूनियर प्रिंस ऑफ कलकत्ता सौरभ गांगुली क्या बैटिंग करता है यार? अरे यार सचिन का जवाब नहीं। अरे तू सचिन की बात कर रहा है? अजय जडेजा भी क्या फॉर्म में है यार। अरे क्यों ना हम लोग इंडियन क्रिकेट टीम में भर्ती हो जाए, क्या आइडिया यार। सूरज बेटे। अरे चाचा क्या हाल है? हाल तो ठीक है बेटे, मेरी टैक्सी चोरी हो गई। तो रहीम चाचा पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाओ। पुलिस चौकी के चक्कर काट काट के थक गया। देखा आज अगर हमारा प्राइवेट पुलिस स्टेशन होता तो इनकी टैक्सी जो चुटकियों में ला के दे देता है। अरे गवर्नमेंट जलती है यार, अगर हम नया पुलिस स्टेशन खोल लेते हमारा धंधा आगे बढ़ जाता तो सरकारी पुलिस स्टेशनों पे ताले नहीं लग जाते। इसीलिए तो कहता हूँ यार, इस देश का कुछ नहीं हो सकता जब तक प्राइवेट पुलिस स्टेशन नहीं खुल जाते, तब तक टैक्सियां चोरी होती रहेंगी, दंगे फसाद होते रहेंगे। अवलदार चलो इनकी टैक्सी लेकर आते हैं। चलो ए मोटे अपना रुमाल उठा। ले रहा हूँ ना। अरे सूरज बेटा मेरी मदद करो बेटा। देखा भाई लोग, ये हमारी प्राइवेट पुलिस स्टेशन का दूसरा केस। बोलो भाई आपकी क्या प्रॉब्लम है? मेरी बेटी को कुछ गुंडे उठा के ले गए बेटा, उसे बचा लो बेटा। चाचा। हाँ बेटे। आपकी टैक्सी तो दोबारा मिल सकती है लेकिन अगर किसी की इज्जत चली गई दोबारा नहीं मिलेगी। अपने लाड प्यार से बिल्कुल बिगाड़ रखा है अपने देवर को, कल रात खाने पर भी नहीं आया, सुबह नाश्ते पर भी नहीं है। उसकी चिंता मुझे भी तो है, आखिर वो रहा कहाँ कल रात पर? हाय भैया। कल रात? अरे भैया कल रात की तो आप कुछ मत पूछिए,
कुछ मत पूछिए कल रात की भैया। क्यों क्या हुआ भैया? कल रात उसने मुझे एक पल सोने नहीं दिया भैया। किसने? वही जो मेरी जान की चैन की नींद की दुश्मन बन गई। क्या बक रहा है तू? ओहो देवर जी आ गए आप। ये आ गए लाडले आपके, आरती उतारो इनकी। पूछो इससे क्या अनाप शनाप बक रहा है। कहाँ थे रात भर? अरे भाभी मैं जहाँ भी था भैया की वजह से था। मेरी वजह से? अरे भैया आपके डिपार्टमेंट की वजह से था। रहीम चाचा टैक्सी चोरी होने की कंप्लेंट आपने कब लिखाई थी? 4 दिन पहले। पुलिस वालों ने क्या किया? धक्के पे धक्के खिलाए। और मालूम है भाभी टैक्सी ढूंढ कर दी मैंने। टायर बिक रहा था चोर बाजार में, इंजन बिक रहा था भिंडी बाजार में, और बॉडी बिक रही थी खार में। मैं तो फंस गया ना बेकार में। और मालूम है भैया स्टीयरिंग बिक रहा था बोरीवली में, सीट बिक रही थी कांदीवली में, और डिक्की बिक रही थी चांदीवली में। भैया हम दोनों तो सारी रात घूम घूम कर थक गए भैया। सूरज बेटे शुक्रिया, खुदा हाफिज। तू जिंदगी भर ऐसे ही उत्पटांग काम करता रहेगा। भैया मैं आधा ऑमलेट खा लूं? अरे आधा तो खा चुका है तू। और आप भी तो कहते हैं कि आधा काम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अरे तू इसी तरह बचपना करता रहेगा तो कैसे कटेगी तेरी जिंदगी? अरे भैया मेरी जिंदगी तो आपकी छत्रछाया में गुजरेगी। भला मुझे क्या कटे? देवर जी आप लाइफ में जरा सा सीरियस हो जाइए। लो भाभी सीरियस हो गए, हुकुम करो क्या कर रहे हैं। चाचू मेरे लिए एक नई साइकिल लाकर दोगे? मुन्नी अपनी पहली कमाई से सबसे पहले तेरे लिए साइकिल लेकर आऊंगा। ये हुई ना बात, काम ऐसा करना जिसमें नाम मिले दाम मिले शोहरत और इनाम मिले। भाभी कहती है कि सूरज खन्ना तू काम कर, काम कर, काम कर, काम कर के दाम मिले, दाम मिले, दाम मिले, शोहरत और इनाम मिले, इनाम मिले, इनाम मिले। तो अब दोस्तों मैं क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? अबे चुप यार, अबे चुप यार, अबे चुप यार। ये कुल्फी टप्पा वालों की तरह क्या आवाज लगा रहे हो? कोई आइडिया तो दो ना यार। आइडिया? 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 आइडिया मिल गया दोस्तों, बच्चों को स्केटिंग सिखाने का। अरे 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 क्या स्केटिंग कहाँ की है? अरे यार अगर ये बच्चे कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। क्यों बच्चों ये तो बच्चे भी कर सकते हैं। अरे उठ शेर बन शेर उठ। देखने के बाद तो मैं खुद नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। यहाँ इस वक्त सिर्फ लड़की एक्सरसाइज करती है, तुम कहाँ से आ गए? जैसे उड़ के आता है परवाना। होश में आओ। उनसे मिली नजर तो मेरे होश उड़ गए। Stupid idiot, good for nothing. I'm good for everything. Climbing for anything. सड़क छाप रोमियो। नो मैडम, गॉड प्रॉमिस मैं सड़क छाप रोमियो नहीं हूँ, और ना ही इस दिल पर आज तक कुछ छपा है। दिल का कागज सारा का सारा कोरा पड़ा है मैडम, लेकिन आपकी प्यारी प्यारी खूबसूरत सी तस्वीर इस पर छप चुकी है। अब इस थोड़ी सी दूरी को भी दूर कर दो ना मैडम। मैं तुम्हें इस दुनिया से दूर कर दूंगी। तोड़ियो ये तो पागल लगता है। अरे मैडम आशिकों को पागल कहना तो इस जमाने का दस्तूर है। आपने मुझे पागल कहा, ये मेरी खुश नसीबी है मैडम। अब मैं पागलों की तरह आपका दर बदर पीछा करता रहूंगा मैडम। कम ऑन गर्ल्स, चमेली की शादी में जाना है।
चमेली की शादी? और बहन जी एक चमेली की शादी कितनी है? शादी की बात करने आए हो? नाम क्या तुम्हारा? तो ताराम ताराम तोताराम। क्या काम करते हो? कस्टम कस्टम में दो नींबू शरबत लाना। खाते हो कि नहीं खाते हो? खाता है बारह अंडे छह ब्रेड कुत्ते के वहाँ पे खा जाता है क्या? अरे वो खाना नहीं, रिश्वत खाता है क्या? रिश्वत कैसी बात करता साहब? वॉचमैन भी कहीं रिश्वत खा सकता है क्या? ये वॉचमैन है? हाँ, मेरी भतीजी के साथ शादी करेगा। ठंड लग रही है। ये कितनी उंगलियां हैं? चार। आंखें गई हुई है। क्या काम करते हो? अरे समधी जी, जब लड़के की शादी हो जाएगी तो आप उसको काम पर भी लगा देंगे। अच्छा, कहाँ रहते हो?
अरे समधी जी, जब लड़के की शादी हो जाएगी तो आप उसको रहने को भी दे देंगे, ये मकान भी मिल जाएगा। कहाँ से आए हो और जा कहाँ रहे हो? आ तो रहे जेल से। जा भी जेल रहे हैं? जेल क्यों? क्योंकि वॉचमैन दूल्हे और उसके बाप की मैंने घड़ी, अंगूठी और सोने की चेन मार ली है। ये देखिए। क्यों चाचा जी? तो ये थे मेरे दूल्हे, देख लिए? मैंने सारे दूल्हे देख लिए। अरे ऐसे खाने पीने वाले हरामखोर बदतमीज दामाद नहीं चाहिए मुझे। मेरा दामाद तो एकदम अच्छा होना चाहिए, एकदम भोला भाला होना चाहिए, एकदम प्यारा होना चाहिए, अपनी रोटी खुद कमाने वाला चाहिए, इतना समझदार होना चाहिए कि देखा चलो, तेरे बाप ने अखबार में इश्तिहार देकर दुल्हन को बुलाया, लेकिन तेरे चाचा ने भगाया। मगर भगाने का आइडिया किसका था? लेकिन अपनी एक्टिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है? बंदे के बारे में क्या ख्याल है? कौन बोला? कौन हो तुम? ओ मैंने पूछा आप है कौन? आशिक। नहीं, कहाँ रहते हो? इनके दिल में। करते क्या हो? इनसे प्यार, प्यार और प्यार। एक मिनट चलो, लगता है विचित्र प्राणी है, दीवाना है दीवाना। दीवाना नहीं। फिर क्या आया? इनके हुस्न से मर जाने वाला परवाना हूँ, परवाना। तुम यहाँ से जाते हो या नहीं? घर से तो चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे दिल से कैसे जाऊंगा? बार बार आऊंगा और तुम्हारे दिल में बस जाऊंगा, और एक दिन तुम्हारी मांग सजाकर डोली में बिठाकर बैंड बाजे के साथ ले जाऊंगा। ओ, ब्रेक मारो, ब्रेक मारो। पहले ये बताओ आप करते क्या हो? वही जो आधा हिंदुस्तान करता है। मतलब? बेकार हूँ। हाँ बेकार। हाँ बेकार हूँ, लेकिन हमारे भैया पुलिस ऑफिसर हैं। अच्छा, इसलिए राउंड अप पे आए हो क्या? लेकिन तुम्हारे भैया कुछ खाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये शादी बिल्कुल नहीं हो सकती। फिर से जा रहे हैं। लेकिन हम शादी करेंगे तो इन्हीं से करेंगे। हम बार बार इनके ख्वाबों में आएंगे, ख्यालों में आएंगे। यूं समझ लो के दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। कौन था ये लंबू? कौन था जो कह रहा था कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे? लगता है अमरीकी, आई मीन भैया, इन चालू की डोली उठा के ले जाएगा। ये क्या बात करता है? क्या हुआ भैया? ये संडे तो हफ्ते में 2-3 बार आना चाहिए। आज संडे है और आप घर पे हैं, कितना मजा आ रहा है ना भैया? तेरा बस चले तो तू हफ्ते में संडे 7 दफा करके पूरे देश की छुट्टी करा दे। आधा वर्ष है विजय साहब, आधा वर्ष है। आज संडे के दिन ये कबाब में हड्डी कहाँ से आ गया? भैया हड्डी नहीं बोटी, गरीबों की दाल रोटी। कौन है भैया? मेरा नाम राजा भाई कब्जे वाला है। मैंने एक आदमी की 30-40 लाख रुपए की जमीन कब्जे में कर ली है। जमीन का मालिक आपके पास आएगा, आपने उसे 3-4 दिन के लिए बंद कर देना है। उसके बाद ना तो वो मेरे पास आएगा और ना ही आपके पास आएगा, समझ गए ना? समझ गए। समझ गया भैया। ये मिठाई खाइए और राजा कब्जे वाले के गुण गाइए, इसे तो सभी खावे हैं। छोटा मोटा अमीर गरीब ये चीज ऐसी है हजूर। आप बोलते बहुत ज्यादा है। सरकार बड़े बड़े आदमियों का हाथ है इन कंधों पर। मैं जितना जमीन के ऊपर हूँ उतना ही जमीन के नीचे हूँ। आधा वर्ष है। गला सूख गया ना बोलते बोलते। भैया पानी पिलाओ। अरे ये भी कोई पूछने की बात है, फौरन पिलाओ। आधा वर्ष है। भाई साहब आप पानी ठंडा पिएंगे या सादा? कोई भी हो पानी होना चाहिए। सॉरी सॉरी, एक मिनट। शुक्रिया शुक्रिया। मैं कुछ समझा नहीं। भाई साहब ये मेरे भैया का स्टाइल है, ये पानी पिला पिला कर मारते। ऐसी मिठाई अगर खिलाओगे ना पूरे देश को डायबिटीज हो जाएगी।
उठाओ से दफा हो जाओ यहाँ से। आज छुड़ा लेंगे, कल छुड़ा लेंगे। इन खोखने वालों के अलावा किया क्या है आप लोगों ने मेरे भाई को छुड़ाने के लिए? वो ऑफिसर बड़ी टेढ़ी चीज है। हमने उसे तोड़ने की काफी कोशिश की लेकिन नाकाम रहे, फाइव फुट नाकाम रहे। भैया महीनों बाद हिंदुस्तान वापस आ रहे हैं और जब उनको पता चलेगा कि उनके भाई को एक दो टके के ऑफिसर ने अंदर बंद कर रखा है तब उनका क्रोध ज्वालामुखी बनकर फटेगा, शहर में कयामत आ जाएगी, भूचाल आ जाएगा, भूचाल चारों तरफ आग ही आग होगी। याद रखना भैया, न तो उस ऑफिसर को चैन की सांस लेने देंगे और ना आप लोगों के सीने में सांस रहने देंगे। यूं समझो आकाश से यमराज आ रहा है। दो भैया आ गए। वेलकम होम भैया। कैसा रहा सफर? बहुत अच्छा रहा। अब के बार फॉरेन से लौटने में काफी समय लगा दिया आपने? करोड़ों के हथियारों का सौदा करके आया हूँ, छोटे करोड़ों के। हाँ, जब तक हम माल मंगाएंगे नहीं देश में सप्लाई कैसे होगा? अरे छोटे, मैं चाहता हूँ अपने देश में हर नागरिक के पास पिस्तौल हो। जरा सी बात बिगड़ी बात उड़ा दिया, क्या ठीक कह रहा हूँ ना? तभी तो दुनिया वाले कहेंगे हमारे देश ने बहुत तरक्की की है। हम तो ऐसी तरक्की करवाएंगे। सारे हथियार जॉन लेकर आ रहा है, डिलीवरी गजेंद्र को देगा क्योंकि वो सिर्फ गजेंद्र को ही जानता है। गजेंद्र? उसे तो क्या हुआ गजेंद्र को? जेल में है भैया। किसके सितारे गर्दिश में आ गए? है एक नया ऑफिसर सर से, उसने गजेंद्र को गिरफ्तार किया है। मिनिस्टर बांकेलाल को फोन किया था? किया था। एमएलए हीरालाल को पुलिस स्टेशन क्यों नहीं ले गए तुम? मैंने सब कोशिश की भैया लेकिन ऑफिसर हमारी एक नहीं सुनी। कहाँ से उठाया उसको? हमारे क्लब से। बॉडीगार्ड्स क्या मर गए थे क्या सब? उसकी रक्षा क्यों नहीं की तुमने? पुलिस ऑफिसर पे गोलियां क्यों नहीं चलाई तुम लोगों ने? सर हम ऑफिसर की लाश कैसे गिरा सकते थे? कैसे हुआ? जाओ इस शहर का चप्पा चप्पा छान मारो, उस ऑफिसर को मेरे सामने उठा कर लाओ, जाओ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुझे ढूंढता हुआ मैं खुद यहाँ आ गया हूँ। तू क्या समझता है दूसरों के घरों में घुसना बस तुझे ही आता है? मैंने कलाइयों पे चूड़ियां पहन रखी हैं, मेरी बीवी बच्ची को क्या धमकाता है बे? मर्द का बच्चा है तो मुझसे बन जा लड़ा। पकड़ लो इसे। तुम्हारे इन भाड़े के टट्टुओं की क्या मजाल के मुझे हाथ भी लगा सके? मर्दानगी का खेल तो अब मेरे और तुम्हारे बीच होगा। औरतों को पिस्तौल दिखाने वाले नामर्द कहलाते हैं, नामर्द। बहुत हिम्मत है तो ले ये पिस्तौल, चला गोली मुझ पर, चला अहमद, कमान कमान शूट मी। तू क्या मारेगा मुझे? गोली चलाने के लिए इतनी लंबी सोच की नहीं, थोड़े से जोश की जरूरत होती है। और तेरा ये पसीना तेरी कायरता की गवाही दे रहा है। ले पसीना पोंछ ले अपना। और मेरी एक बात याद रखनी, आइंदा अगर मेरी बीवी या मेरी बच्ची की तरफ नजर उठाने की भी कोशिश की तो मैं तेरी दुनिया में ऐसा तूफान मचाऊंगा कि तेरी जिंदगी जलती हुई चिता बन जाएगी। हम
हम तो आप ही के भरोसे पर बैठे थे कि आप आएंगे और उस ऑफिसर का कुछ करेंगे। उस ऑफिसर को मैं उसी वक्त मारता था जब वो मेरे घर में आके मुझे धमकी देकर गया था, लेकिन मेरा भाई उसकी हिरासत में है। थप्पड़ मैं उसके गाल पर मारूंगा तो निशान मेरे भाई के गाल पर पड़ेगा। जिस तरह एक राक्षस की जान एक तोते में थी, उसी तरह हम सब लोगों की जाने एक डायरी में है, और वो डायरी जिस इनकम टैक्स ऑफिसर के पास है, उसकी जान एक नन्ही मुन्नी मासूम सी जान में है। Thank you.
कर बाहों में मुझे तू भर ले। सूरज तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भैया वो मैं भैया वो भैया ये चालू है भैया, इनकम टैक्स ऑफिसर की एक लड़की बेटी। ओह अच्छा, तो यहाँ तक पहुँच गए हैं आप। हाँ भैया। नहीं भैया, भैया भैया मैंने इसे कितना पीछा छुड़ाना चाहा लेकिन इसे मेरी एक नहीं मानी भैया। क्या? हाँ भैया, कहती है कि जिएंगे तो साथ साथ, मरेंगे तो साथ साथ। मैं तुम्हारे पीछे पड़ी थी कि तुम मेरे पीछे पड़े थे? यार भैया के सामने चुप रहना भैया, ये वो ना। चुप बे चुप, मैं पुलिस वाला हूँ, सब मालूम है मुझे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स भैया। जी जी, शालू कहते हैं जब किसी मर्द की जिंदगी में औरत आती है तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। हो सकता है तुम्हारी वजह से बेवकूफ की जिंदगी में कुछ बदलाव आए और ये दुनिया में जीने लायक बन जाए। सूरज तुम्हारे भैया क्या इंसान है, मजा आ गया उनसे मिलकर। है ना मेरे भैया में दम। चलो चलो, कल तुम्हारे डैड से भी अपनी जोड़ी पास करवा लेते हैं। यही वो लग रहा जिसे तुम मेरा दावा बनाना चाहते हो। भैया मुझे तो ये हीरो लग रहा है। और मैं हीरोइन एक दूसरे के लिए। मुझे तो ये कोई छड़ा-छाप रोमियो लग रहा है। सर आप क्यों मेरी इज्जत का पर्दा कर रहे हैं? क्योंकि तू मेरी भोली भाली लड़की को फुसलाकर मेरी तिजोरी में फिसलने का प्लान बना रहा है। बहुत अच्छी तरह से जान गया हूँ मैं इसे। इसे अपनी शालू में इंटरेस्ट नहीं है, इसे इंटरेस्ट है मेरी दौलत में, मेरी तिजोरी में। नहीं सर, आप गलत सोच रहे हैं मेरे बारे में। मैं बहुत सही सोच रहा हूँ। तुम हो कौन, तुम्हारी हैसियत क्या है? डैडी नहीं बेटी, इस बार मुझे मत रोकना, ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। ए हीरो, तुम्हारी अपनी कोई पहचान है? मेरे भैया एक पुलिस ऑफिसर है। लेकिन तुम क्या करते हो? नौकरी करते हो? इनकम टैक्स भरते हो? बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ तुम जैसे नौजवानों को, जो चलते तो है पत्थर की सड़क पर लेकिन चाहते हैं नोटों की सड़क को। तुम्हें क्या लगता है मेरी फूल जैसी भोली भाली लड़की का हाथ मैं तुम्हारे हाथ में दे दूंगा और फिर जिंदगी भर अपनी बेटी की फूटी हुई किस्मत पर रोता रहूंगा? बस सर जी बस, आपने हद से ज्यादा कह दिया और मैंने हद से ज्यादा सुन लिया। मैं जा रहा हूं मगर शालू का प्यार अब अपनी सारी दौलत की ताकत लगाकर भी मुझसे नहीं छीन सकते। एक दिन मैं साबित कर दूंगा कि मैं शालू से मोहब्बत करता हूं, आपकी दौलत से नहीं। आज से 7 साल पहले ऐसा एक सरफिरा ऑफिसर आया था जो बात करता था ईमान की ऊपर से, मगर था एक नंबर का बेईमान अंदर से। कहीं भी उसी टाइप का तो नहीं है? हमारी तिजोरी की मलाई खाना चाहता है वो। ये मलाई वाला तीर आज ही चलाई दो। बच्चा बांडे निशाना लगाऊंगा मैं और तीर बनकर चले जाना तुम। हमका हुक्म दिया बड़ा साहब, हम चलाए। कौन बड़ा साहब? अरे वही जिन्होंने हमका आपके दर्शन करने और आपको इम्पैक्ट के दर्शन करवाने के लिए भेजा है। पानी पिएगा? अरे आपको कैसे पता कि हम काफी के पहले पानी पीने का शौक रखते हैं? तुमका पानी पीने का शौक है और हमका पानी पिलाने का शौक। हेलो, नोट देखते ढीला पड़ गया। काफी पिला रहा हमका। बच्चा बांडे बड़ा स्मार्ट निकला।
पानी लेने गया हमरे वास्ते। पानी लाने? अरे वो पानी मत पीना। अरे काहे भैया, अरे वो पानी पीना तो तुम गया काम से। तो बात जम गई समझ? जमी तो नहीं, लेकिन अभय जमा देते हैं। लो पानी पियो। जमा कर तो अभय पी लेता हूँ। हमार चाय तुम जैसे कुत्तों को मैं पानी पिला पिला के ही मारता हूँ। ले जाओ इसे और अपने बड़े साहब से कह देना कि दोबारा ऐसी जरूरत की तो उसके घर में आकर उसे भी पानी पिला पिला के मारूंगा। ले जाओ। हाँ तो वो बच्चा पांडे और खाली हाथ, देखा वो ऑफिसर खा गया ना हमारे नारियल की मलाई। इसका मतलब ये है कि हमारा गजेंद्र अब छूट जाएगा, आजाद हो जाएगा। अरे नोटों की चाबी से तो बड़े बड़े दरवाजे खुलते हैं, तो फिर ये लॉकअप क्या चीज है? अरे दौलत की चमक देखकर गूंगा हो गया होगा और क्या। तोता मिर्च खा गया ना? अरे ना ही सरकार, तू तो हमका एक गिलास पानी पिलाया और तूने थप्पड़ खाया। आपको कैसा मालूम सरकार, आप भी थप्पड़ खाए का? सर वो इंस्पेक्टर थोड़ी है, वो तो पागल है पागल। लेकिन उनका भाई बहुत बुद्धि वाला है, और फिर हमका तो आम खाने से मतलब है, पेड़ का है कि ना, अपना काम हुई गो। क्या मतलब? मतलब ये है सरकार कि एक भाई पकड़ में नहीं आया तो दूसरा भाई पकड़ में आ गया, और वो हमका गारंटी दी है कि गजेंद्र बाबू को छुड़वा लेगा। दौलत से नहला दो उसे, हमारा भाई समय से पहले लॉकअप से छूटना चाहिए। बोले चाचू चाचू मेरी साइकिल ले आए। साइकिल क्या मुन्ने, अब तो नया टीवी, नया वीडियो और ठंडा पानी पीने के लिए नया फ्रिज भी आएगा। अरे कहीं डाका डाला है कि लॉटरी निकलाई तेरी? वो बिजनेस शुरू किया है भैया। अच्छा पार्टनर मिल गया 50-50। वो है कौन? वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन अरे भाभी समझाओ ना भैया को, भैया ने मेरा प्राइवेट पुलिस स्टेशन तोड़ा, मैंने वो धंधा ही तोड़ा, जिस बिजनेस को टोका मैंने ब्रेक लगाकर उस बिजनेस को ही रोका, मगर अब मैं नहीं रुकने वाला हूँ। लेकिन अरे लेकिन लेकिन क्या भैया, मैं कोई घाटे का काम थोड़ी कर रहा हूँ। अरे लेकिन तू काम क्या कर रहा है? अरे भाभी काम ऐसा कर रहा हूँ कि इधर भी फायदा और इधर भी फायदा। चाचू चित भी अपनी पट भी अपनी। यस इसे पैक कर दो भाई साहब, ये 40,000 का है। अरे भैया ये झूमर 40,000 का हुई या 50,000 का, पेमेंट की फिक्र मत करो, पेमेंट ई नहीं बच्चा पांडे करेंगे, यानी कि हम ई का वास्ते टीवी फ्रिज वीडियो सभी का शॉपिंग एक ही झटके में कर दिया। आधा बंद है, उस दिन मैंने एक छोटा सा काम आपको बोला तो आपने कहा ऐसी मिठाई खाने से देश में डायबिटीज फैल जाएगी। और वो जो मिठाई आपका भाई बच्चा पांडे के साथ मिलकर खा रहा है उसमें ना तो कानून को अतराज है और ना ही देश में कोई डायबिटीज फैलेगी। बच्चा पांडे? अभी छोड़िए छोड़िए ये शराफत की एक्टिंग, ये टीवी, ये म्यूजिक सिस्टम, ये इंग्लिश साइकिल, ये चैंडलियर कहाँ गया आपके घर में? अभी मिठाई खाना तो कोई आपके जीते आधा बन जाए। तुम जानती हो ये क्या है? जानती हो ये क्या है? ये झूमर और ये टीवी? रुक जाइए। म्यूजिक सिस्टम? क्या कर रहे हैं? जानती हो ये कहाँ से आया? ये बच्चा पांडे की दी हुई रिश्वत। और जानती हो बच्चा पांडे कौन है? दो नंबर का आदमी है, प्यार से नहीं अपना जमीर देख कर लाया है ये सब। इतना होता ठीक नहीं है, शायद मेरा ये कसूर था, उसकी हर हरकत को नजरअंदाज करना शायद मेरी ही गलती थी। नहीं चाहिए मुझे ये पाप की कमाई अपने घर में। नहीं जा अपनी हराम की कमाई चीजें घर से, और खबरदार जो दोबारा इन्हें इस घर में कभी लाया तो। भैया मेरी बात तो सुनो। तू मेरी बात सुन, नहीं चाहिए मुझे ये तेरी हराम की कमाई, ये दिखावा।
बचपन से मैंने तुझे क्या सिखा के बड़ा किया है? अपनी तमन्नाओं को मार के जियो पर सर उठा के, गरीबी के हर हाल में जियो पर सर उठा के जियो, भूख के साथ साथ के मर जा कोई गम नहीं, जीना है तो ईमान से जियो, सर उठा के जियो। तू मेरे उसूलों पे नहीं चल सकता, जिंदगी भर मुझे अपनी शक्ल में दिखाना। चलो अब आया हूँ उस पहाड़ के नीचे। ये जख्म अभी तक सूखा नहीं इंस्पेक्टर। वो FIR कहाँ है? FIR मेरे नाम की FIR? देख, देख, आज मैंने कानून का मुंह काला कर दिया है। कल तक वो डायरी मुझे मिल जानी चाहिए, वरना वरना तेरी जिंदगी के साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है। हाँ, समझा? गुड बाय ऑफिसर। हाँ, वैसे मेरा नाम गजेंद्र प्रताप सिंह है। गजेंद्र प्रताप सिंह। जहाँ शिकारी वहाँ। भूल गया? तेरे ही पुलिस स्टेशन में तेरा मुंह कैसे काला किया था? कानून का चेहरा कोई वैश्या का आंचल नहीं है बबुआ, जिसे तुझ जैसा ऐरा गैरा नत्थू खैरा कोई भी काला करके चला जाए। नीला पीला और रंगीला तो अब मैं तुझे करूंगा जेल की सलाखों के पीछे। कानून तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, जिसके मुंह पर कालक का ठप्पा लगाकर इतना इतरा रहे हो। तुम जैसे कुत्तों का मुंह काला करना मुझे भी आता है। चेहरे का असली रूप, बाप की कालक में डूबा हुआ। कानून के चेहरे पर कालक पोतने वाले, आज कानून ने तेरा ही मुंह काला कर दिया। है।
मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा इस घर में हो क्या रहा है। भारती, मुझे उड़ती उड़ती खबर मिली थी कि शहर में हथियार उतरने वाले हैं, मगर कब और कहाँ ये नहीं मालूम था। अचानक मुझे एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा हुआ था कि वो हथियार हेलीपैड मैदान में उतरने वाले हैं और अगर गजेंद्र प्रताप उनकी डिलीवरी लेने ना पहुंचा तो वापस चले जाएंगे। अब जानती हो चिट्ठी पर नाम किसका था? किसका? तुम्हारे प्यारे देवर का। बच्चा पांडे, उन दोनों भाइयों ने मिलकर डबल क्रॉस किया है हमें, हमें। लेकिन मैं उस ऑफिसर को छोड़ूंगा नहीं। ऐसा क्या करने वाले आप सर? जिस वर्दी ने मुझे टक्कर मारी है उसी वर्दी का सहारा लेकर मैं उस ऑफिसर के बदन पे से वर्दी उतरवा के ही रहूंगा। गुलाटी, हम हथियार देखना चाहेंगे। ये सब तो खिलौना पिस्तौल है। देखिए गुलाटी, व्हाट द हेल इज दिस? हथियार हमारी कस्टडी में थे, ये बदल कैसे गए? हमने तो असली हथियार पकड़े थे सर, ये सब कैसे हुआ सर? सर कोई गड़बड़ है सर। गड़बड़ कहीं और नहीं, गड़बड़ इंस्पेक्टर विजय के मन में है। इंस्पेक्टर सिंह, जबान संभाल के बात करो। रिश्वत लेकर लाखों के हथियारों का सौदा कर लिया है तुमने। अगर तुम ये बात साबित कर सको तो बिक गए हो तुम। मेरी जिंदगी मौत की हथेली पर बिक सकती है लेकिन मेरा ईमान नहीं बिक सकता। बंद करो देशभक्ति का ये डायलॉग। रुपयों का लालच खा गया है तुम्हारा ईमान, नोटों के बोझ तले दब गया है तुम्हारा जमीन। इंस्पेक्टर सिंह, तुम स्टॉप इट, स्टॉप इट, स्टॉप इट। विजय, तुम्हारा इस तरह आपे से बाहर होना मुझे तुम पर शक करने के लिए मजबूर कर रहा है। सर ये क्या कह रहे हैं आप? मैं जानता हूं कि तुम ईमानदार हो। सर आज के इस महंगाई के दौर में ईमानदार से ईमानदार आदमी का ईमान भी पैसा है, भगवान पैसा है, देवी पैसा है, देवता पैसा है। इंस्पेक्टर सिंह आप सही कहते हैं, पैसों का लालच इंसान को कमजोर बना सकता है। अगर इन्होंने ऐसा किया है तो मैं इनके रास्तों पर कभी नहीं चलूंगा। चलिए सर अभी अभी इनके घर की तलाशी लेते हैं। ठीक है। सर यहाँ कुछ नहीं मिला। सर सर मुझे विश्वास था विजय साहब कभी गैर कानूनी काम कर ही नहीं सकते। इन पर शक करना भगवान पर शक करने के बराबर है सर। सर मुझे माफ करना सर, प्लीज मुझे मजबूर होकर कहना पड़ा कि आपके घर की तलाशी ली जाए क्योंकि मैं चाहता था सर कि डिपार्टमेंट जो आप पर शक कर रहा है वो पूरी तरह से धुल जाए। आज सारे निशान धुल गए सर। सर आप फिक्र मत कीजिए, मैं इस मामले की तह तक पहुँच कर ही रहूंगा। आपने उस ऑफिसर को मारे रस्ते से हटाकर मारे सारे रस्ते खोल दिए। अरे सेठ, पैर में कांटा चुभ जाए तो कांटा निकालते हैं, पैर नहीं काटते। बहुत उड़ रहा था ये खाकी वर्दी वाला पंछी, पर कट गए, जाकर गिर गया सरकारी पिंजरे में। विशंभर साहब, विशंभर साहब, मैं भी बहुत जल्द सरकारी पिंजरे में गिरने वाला हूँ, मेरे नाम भी वारंट निकला है। वारंट? हाँ साहब, उस हवाला डायरी की वजह से। अभी कैंसिल कर देते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी इस पर कोई एक्शन नहीं लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कल अगर हमारा नाम हवाला केस में आ गया तो आप हमें भी गोली मार देंगे? घबराओ मत नेताजी, उस इंस्पेक्टर ने वो डायरी जहां भी जमा की है मैं वो सारा डिपार्टमेंट ही बम से उड़ा दूंगा, सारा मामला जलकर राख हो जाएगा। बच्चा पांडे, आज तू बतलाएगा कि मेरे भाई को फंसाने की साजिश किसने की? अरे हमारी जवान खुलवाना तो सात समुंदर पार की बात है,